संत रामपाल दास जी महाराज ने सदैव कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता। ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। आज 427/14 जो FIR थी उसमें संत रामपाल दास जी महाराज और उनके साथ जो अनुयायी थे जिनको बंद करके रखा हुआ था उन सभी को बाइज्जत कोर्ट ने, हिसार कोर्ट ने बरी कर दिया गया है। अभी कौन कौन से मामले अब आगे के विचाराधान जो चले 428/14, 429/14 और 443/14, 430/14 वो आगे चल रहे हैं। इन दो केसों में 426/14, 427/14 में संत रामपाल दास जी महाराज को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और मैं आप सबको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी हिंदू सभ्यता संस्कृति के रक्षक जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनका पूरा नाम केवल रामपाल ना लिखा जाए, संत रामपाल दास जी लिखा जाए। आप लोग भी अपने इस बात को नोट करके रखें। जो चैनल हैं, अखबार है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दुख होता है हमें जब निर्दोष को फंसाया जाता है। सुनिए आप मेरी सुनने की क्षमता। कोर्ट ने कहा है आप पर सारे चार्ज झूठे साबित होते हैं और आप सबको दोनों केसों में अलग अलग केस में उन्होंने बताया, पहले 426/14 में बताया, फिर दोबारा 427/14 में बताया। ऐसा कुछ भी लगा नहीं। बाइज्जत बरी का मतलब होता है आप पर जो भी आरोप लगाए थे पुलिस ने वो पूरी तरह से निराधार झूठे साबित हुए हैं और बाइज्जत बरी कर दिया गया।